शिव अनादि, आदि, मध्य और अनंत है। शिव है प्रथम और शिव ही अंतिम। शिव है सनातन धर्म का परम कारण और कार्य। शिव है धर्म की जड़। शिव से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। सभी जगत शिव की ही शरण में है। जाने अनजाने शिव का अपमान करने वालों को प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। और ऐसे ही महादेव से जुड़े रहस्य हैं जो अनादि हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। तो चलिए जानते हैं महादेव से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। शिव तो जगत के गुरु और परमेश्वर हैं। मान्यता अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था। सप्त ऋषियों ने शिव से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया और धरती के कोने कोने में शिव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन सातों ऋषियों ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको शिव कर्म परंपरा आदि का ज्ञान नहीं सिखाया हो। आज सभी धर्मों में इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। विश्व के अन्य अनेकों देशों में भी प्राचीन काल से शिव की पूजा होती रही है। इसके अनेक प्रमाण समय समय पर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में भी ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो शिव पूजा के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। शिव के एक गण नंदी ने ही काम शास्त्र की रचना की थी। काम शास्त्र के आधार पर ही काम सूत्र लिखा गया था। अतः शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों में अलग अलग रूपों में विराजमान है। और इसी भिन्नता का कारण है परंपरा और भाषा का बदलते रहना। आपने भगवान शंकर की चित्र या मूर्ति देखी होगी। शिव की जटाएं हैं। उन जटाओं में एक अर्धचंद्र चिन्ह होता है जो कई धर्मों का प्रतीक चिन्ह है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। उनके कंधे पर धनुष और बाण। एक समय पहले उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी होता था क्योंकि उसका निर्माण ही उन्होंने किया था। महादेव का परिवार भी समाज को सीख देकर जाता है। शिव के परिवार में अद्भुत बात है। शिव परिवार के हर व्यक्ति के वाहन या उनसे जुड़े प्राणियों को देखें तो शेर बकरी एक घाट पर ही एक साथ पानी पीने का दृश्य साफ दिखाई देगा। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, मगर शिव जी के तो आभूषण ही सर्प है। वैसे स्वभाव से मयूर और सर्प दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक को खा जाता है। पार्वती स्वयं शक्ति है। जगदम्बा है जिनका वाहन शेर है, मगर शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। बेचारे बैल की सिंह के आगे क्या बिसात। लेकिन नहीं, इन दुश्मनियों और ऊंचे नीचे स्तरों के बावजूद शिव का परिवार शांति के साथ कैलाश पर्वत पर प्रस्ताव पूर्वक समय बिताता है। यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। निर्माण के बाद शिव जी ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। बताते चलें कि शिव का धनुष पिनाक दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली धनुष है। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था जिसे कोई उठा नहीं सकता है। प्रभु श्री राम ने इस धनुष को उठाकर इसे तोड़ दिया था। इस तरह शिव का त्रिशूल भी कई शक्तियों से संपन्न था। शिव का खास अस्त्र पशुपतास्त्र था, जिसकी शिक्षा उन्होंने परशुराम सहित अपने कई भक्तों को दी थी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे रहस्य और अनसुनी बातें हैं जो आपको शिव के बारे में पहले नहीं पता होगी, जो महादेव को सर्वोच्च बनाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।